दोस्त जो होते हैं लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी तो फैमिली से बढ़ के भी होते हैं. अब आप देखो, आप अपने बाप को नहीं बता सकते कि मुझे पिंकी अच्छी लगती है, दोस्त को आप बता देते हो. और कभी कभी इसलिए बताना पड़ता है ताकि यही बात दोस्त आपको आपसे पहले ना बता दे, पिंकी उसको भी अच्छी लग सकती है. और दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ रहता है. और दोस्त साथ हो तो इंसान कोई भी चैलेंज जो है वो लेने से नहीं डरता. सो इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है ऊंचाई. और आज हमारे बीच इसकी स्टार कास्ट मौजूद है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अनुपम खेर, मिस्टर बमन ईरानी, सारिका जी एंड नीना गुप्ता जी. अनुपम सर, बमन सर, नीना जी, सारिका जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. और आज मैं एक बात जो भ्रम दुनिया में चलता आ रहा है बड़े सालों से, क्या, कि जो महिलाएं होती हैं वो टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो आज गलत साबित कर दिया नीना जी ने और सारिका जी ने, क्योंकि ये दोनों बमन सर और अनुपम सर से पहले आ गई थी पीछे. तो मैं चलता हूं. सर मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो अनुपम सर को बाल बनाने में ज्यादा टाइम उसका रीजन ये है, मैं बड़े दिनों से बाल बिखेर के रख रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आज सेंटर की मांग निकालता हूँ. वो सेंटर मिल ही नहीं रहा था, कुछ यहाँ गिर रहे थे, कुछ वहाँ गिर रहे थे, फिर मैंने खुले छोड़ के आ गया. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी ये लोग एवरेस्ट पे जाके आए हैं. एक तो एवरेस्ट, फिर साथ में बच्चन साहब. इतनी ऊंचाई देखने के बाद आप ऊपर से कपिल शर्मा शो में आए हैं, इतनी ऊंचाई पे आपको तो चक्कर आ रहे होंगे. क्या है कि सर, जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है. ओहो, दैट्स व्हाई ही इज द अनुपम खेर. क्या बात. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म में इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, इतनी ऊंचाई हासिल की. और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि अगले साल जो चंद्रयान मिशन प्लान किया गया है उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है. ये भी हमारी तरह नीचे से बैठ के बाय बाय करेंगे. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए मैम. आप यहाँ बैठे. नहीं नहीं जी सर, मैं आप. अच्छा, आइए आप बैठे. कुछ हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि बच्चन साहब भी आ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो भी आने वाले थे. हाँ. लेकिन सोनी नाम के मॉल में उनकी अपनी भी एक दुकान है. हाँ. तो वो उसमें काफी व्यस्त थे. और आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अनुपम सर पहले आ चुके हैं हमारे शो पे, बमन सर भी आ चुके हैं, नीना जी भी आ चुकी हैं, सारिका जी पहली बार आई हैं. तो मेरा पहला सवाल सारिका मैम से है. सारिका मैम, जब हम एवरेस्ट पे जाते हैं जी, एक मन में फीलिंग तो आती है कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, भगवान ने ऐसा पहाड़ बनाया इतनी ऊंचाई पे, और हम आए नहीं इतने साल, अब जाके मौका मिला है जी. तो आपको ऐसी फीलिंग आई जब आप हमारे सेट पे आई? बहुत ज्यादा. क्योंकि मैं काफी दिनों से, आपका शो कब से चल रहा है? हमने तो 3 महीने के लिए बनाया था, पर 10 साल हो गए. 10 साल हो गए, तो मतलब ये इंतजार उससे काफी ज्यादा ऊंचा है. सो फीलिंग वेरी नाइस. थैंक यू फॉर कमिंग मैम. ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है ऊंचाई जो है, और आपको पता ही होगा कि सारिका मैम का राजश्री के साथ पुराना रिश्ता है, 1975 में जब इन्होंने गीत गाता चल के लिए जब इन्होंने काम किया. और आज 47 साल बाद वापस ऊंचाई में काम कर रही हैं. आपको नहीं लगता इतने सालों बाद उनको आपको प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था, एक पेंशन देनी चाहिए थी? 47 साल हो गए. प्रोजेक्ट इज बेटर. बहुत अच्छी बात. एक्टर को यही चाहिए होता है कि हम अच्छा अच्छा काम करते रहे. या वो प्रोडक्शन भी इतना अच्छा है, ऐसे नहीं कि हम प्रमोशन पे बैठे हैं तो प्रमोशन लाइन है, बट राजश्री में हर कोई इतना प्यार और इतना अपनापन है, अच्छा लगता है वापस आना बहुत. पता है राजश्री की फिल्म हम देखते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, तो मिले तो सारी भाभियाँ ऐसी होती हैं. सारे चाचा ताऊ सब ऐसे कुर्ते में रहते हैं जैसे आप थे ना, आप माधुरी के पापा बने थे. इतना खूबसूरत घर था जहाँ पे आप बाहर निकले, जिंदगी कुछ और ही निकली. अनुपम सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता रहता हूँ, ऐसा जिम शिम करते हैं ये, इतने ज्यादा फिट हो गए. आज मैं कहूंगा कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से बने, तो ये परमीत सेठी साहब वाला रोल कर सकते हैं दोबारा. मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू परमीत इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड वेरी फिट गाय, बट मुझे लगा आप बोलोगे शाहरुख खान वाला रोल कर सकते हैं. आज के दिन तो बनता है. पर सर क्या ही बात है, मतलब शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है. पर मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, ये जो आप
पे फिटनेस का नया क्रेज आया, एकदम से आया या फ्री में मेंबरशिप मिल गई कहीं आपको? नहीं नहीं, फ्री में मेंबरशिप तो पूरी जिंदगी मिलती रही। अच्छा जी। हाँ, पर जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले। आप हो गए 60 के? हाँ सर। वाओ, तभी तो फिटनेस की बात कर रहे हो आप। अगर मैं 45 का होता, 25 का होता, थोड़ा बात करते आप। कपिल को लगता है कि 60 साल के ऊपर के लोग फिटनेस फिट होने ही नहीं चाहिए। अरे नहीं, चाहिए फिल्म इसी के बारे में है। क्या बात है। नहीं, बट दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ नया ना करो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे कैसे? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि लोग या आप कपिल शर्मा के शो में मुझसे मेरी फिटनेस की बात करेंगे। क्या बात है सर। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़े। सरप्राइज देते रहना चाहिए। हाँ, बट अनुपम, अनिल तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त है, वो तो फिटनेस फ्रीक है। हाँ। तो तुमको उसका इंस्पिरेशन मिला ना? ऑफ कोर्स, अनिल का बहुत बड़ा हाथ है, अक्षय का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे जब भी मिलते थे, कुछ कर कुछ कर। पर इंसान के अपने अंदर भी जज्बा होना चाहिए, नहीं तो दोस्त तो इनके सतीश कौशिक साहब भी हैं। अच्छा अनुपम सर, आपने 28 साल की उम्र में एक 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया और अपने अभिनय की क्षमता से आज ये ज्यादा यंग दिख रहे हैं। उस करेक्टर में इतना ढल गए थे और अब ये जाके ऊंचाई में जो है वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, 28 साल वाला रोल कर रहे हैं। तो ये शुरू से आपने सोच रखा था सारे काम मैंने उल्टे करने हैं? मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है। और 6 महीने बाद ना अनुपम सर की एड आएगी एक डीओ की, इसमें दो लड़कियां खड़ी होंगी, ये कहेंगे उल्ला ला। कर भी सकते सर, इसमें क्या है? नहीं, तब तो मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो थिएटर के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, हमको तो सिखाया जाता था कुछ भी रोल अच्छा है। इनफैक्ट जब मुझे भट्ट साहब ने बताया कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इससे बेटर लॉन्च तो जिंदगी में नहीं हो सकता। Absolutely. और आज सारांश की बदौलत ही है जो मैं 38 साल से काम करता आ रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश की बुड्ढे की बिल्कुल ही नजदीक नहीं हूँ। सीरियसली। हाँ हाँ। वो है ही नहीं, वो तो ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूंगा। क्या बात है सर। हाँ, हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी, अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे, पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था और फिर आपको खैर साहब का फोन आया, उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, दो महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपको। हेलो डार्लिंग। बमन, कम एंड सिट हियर देन, कम एंड सिट हियर नेक्स्ट टू मी। अरे यू विल गेट इवन मोर वरीड इफ आई सिट नेक्स्ट टू यू। और डर जाएगी आज। और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी। तो मैंने मना नहीं किया था उस वक्त, थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए। मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था। बेसिकली बोलने का मतलब है, हाउ कैन यू रिफ्यूज, बच्चन साहब है, खेर साहब है, और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी, 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी, और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ और मैं मना कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे। हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते हैं। अच्छा जी, प्लीज प्लीज। तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी, वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है क्या है, इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट, हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते हो मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा। तो मेरा पहला रिएक्शन था, बमन पागल है कैसा, क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे मैं उनके गेट से बाहर निकला, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन लगाया, आ जाओ। अच्छा। तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर। अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकैज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो, और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ,
और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय तेरी बस कर यार फोन रख तू हिस्ट्री में चाहता है अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता बस फोन रख दो बस एक गाली वाली है इमीडिएटली मुझे आज आई डोंट लाइक मिस्टर खैर फोन रख दो रख दिया इसने एक सेकंड बाद सूरज जी मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ एक सेकंड हाँ खैर साहब मैं फिल्म कर रहा हूँ थैंक यू एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऐसी फिल्म मैंने अपने पूरे करियर में सोच भी नहीं सकता था कि ये फिल्म मैं करूंगा इतने दिग्गज कलाकारों के साथ और जिस दिन मैं राजश्री के ऑफिस में गया मेरी पूरी डिप्रेशन गायब हो गई अच्छा ये तो हो गया कि आपने खैर साहब के कहने पे हाँ कर दी फिल्म करके मजा भी आया और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं बर्फीले तूफान आ रहे हैं कभी ऐसा हुआ कि लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खैर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं बहुत बार या आप और थोड़ा आगे गए हो आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाओ यू आर लुकिंग सो यंग और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं वो तो बेस कैंप में है तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खैर साहब को ताना दिया हो नहाते वक्त मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ नहाते वक्त हाँ। मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है -8, -10 degrees बाप रे और वो वाला पानी ठंडा सचमुच मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टावल नहीं था कहीं भी तो मैंने अपने बॉय को टावल लाओ लिया एक नीले रंग का टावल उसने दिया और मैं टावल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था उसकी रुई रुई सर पूरा जो सीन था उस दिन का मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया बाकी सब मैं नीला था बट इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और जितने भी ये शो देखते हो एक बार पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है पहाड़ अपने छोटेपन का एहसास कराता है एक्चुअली तो आई थिंक दैट चेंज्ड आवर लाइफ और हेलीकॉप्टर में हमने कितने कितने हेलीकॉप्टर तो ऑटो के जैसे हो गया था हमारे लिए हमारे लिए ऑटो था अच्छा हर चार दिन में वहां से वो एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था मैनेज करने के लिए तो वो सूरज जी हमको काठमांडू भेजे थे काठमांडू से वापस तो वो बोलते ना ऑटो करके हम बैठ जाते थे आ जाते और निकल पड़ते कोई इंटरेस्ट नहीं था अच्छा मानना पड़ेगा खैर साहब को मतलब उनको एक फोबिया है तो आगे बैठते थे मैं उनके पीछे बैठता था और ऐसे तीन ही लोग बैठते थे मैं मसाज करता अच्छा। था पीछे से ओ डोंट वरी डार्लिंग डोंट वरी उनको अच्छा भी लगता था ऐसे लेकिन यहाँ मतलब गर्दन की नस से पता चलता था क्या बीती होगी उनके ऊपर वो ऐसे बैठे रहते थे एक बार मैंने आई यू ओके तो मैं पलटा के भी तेको दिखाता हूँ ये उनका एक्सप्रेशन है आप बमन ने पूछो आई यू ओके और एक दिन हमको बड़ा एंथुजियास्टिक हेलीकॉप्टर वाला चलाने वाला मिल गया पायलट अच्छा जी दो पायलट तो हमारे फिक्स थे जिनको सूरज जी ने ऑलमोस्ट 6-6 घंटे का लेक्चर दिया था कि कैसे डील करना है अच्छा तो सारे रास्ते से ही बताते ये पहाड़ में तो कुछ नहीं पता लगेगा ये पहाड़ से कुछ नहीं पता लगेगा ये कुछ नहीं होता यहाँ पर कुछ नहीं होता अच्छा मुझे पहले एक बात बोलते आप अपना अच्छा सॉरी माफी चाहता हूँ दिस एरिया मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन हियर इसको बता रही पर चुप खैर साहब फिर उन्होंने क्या किया बताओ फिर मैंने कहा अरे शिव जी की मूर्ति हम जब ट्रेलर देखते हैं हमें लगता है कि अच्छा फिल्म करके आए हैं बड़ी मुसीबतें भी आई होंगी पर ये सब भी करना पड़ता है जो आप लोगों तक स्टोरीज नहीं पहुंचती हैं यही हमारा मंतव्य है कि आज हम आपको उन स्टोरीज से रूबरू करवाएं बहुत बहुत धन्यवाद सर एक सवाल अर्चना जी का है ये बोल रही हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में आपने शूट किया तो बोलती हैं कि वहां पे रम वगैरह भी मिली या राजश्री प्रोडक्शन ने बोला कि कंबल भले दो ले लो हम धार्मिक लोग हैं रम एक भी नहीं मिलेगी आई थिंक वी वर हाई ऑन लाइफ ओवर देयर वाह वाह इसकी जरूरत नहीं पड़ी हाय हाय
सर एक और बार बोल दीजिए ये डायलॉग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी झूठ इतनी आराम से कैसे बोल सकते हैं। यू आर हाई ऑन लाइफ, यू आर We didn't need rum. We were having whiskey, that's why. We were high on life. मैं तो खैर लाइफ में I have never had more than one drink. इसमें लाइन एक ड्रिंक भी बहुत काफी है आपके लिए. ओह, मैं ये सोच रहा हूँ सर हमारे पास आप थोड़ी सी देर के लिए आए, इतना मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के, तो आप लोगों ने सेट पे कितनी मस्ती मजाक हुई होगी. मैम ये तो शांत बैठने वाले हैं नहीं. नहीं, बहुत मस्ती करते थे सब लोग. नीना हैज अ वेरी वेरी वन लाइनर्स, इनके जो होते हैं वो बड़े मशहूर होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं. इनका पहला दिन था और आई एम श्योर शी वाज नर्वस और व्हाटएवर, जो भी मतलब पहले दिन के थिएटर के होती है. फिर इन्होंने मैं और बमन साथ में बैठे थे और ये दूर बैठी. हम रिसेप्शन यार, आप मुझे हर बार करेक्टनेस क्यों करते जा रहे हो यार. मतलब सच सच आप झूठ बोलते हैं ना, इसके लिए मैं सच सच बता देता. नहीं क्या, बिल्कुल भी नहीं. हम मतलब ये मेरे माता जी का रोल कर रहे हैं. मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं. एक मैं जैसे एक होता ना, एक महफिल में एक आंधी होता है जो डिसाइड करके रहता है कि मैं एक करेक्ट करना है. जैसे मैं जी पराठे वाली गली में था, चांदनी चौक. ले जी चांदनी चौक में पराठे वाली गली है ही नहीं, वो तो दरियागंज में है. फिर आप ही बताइए, मैं चुप बैठता हूँ और क्या. जैसे मैं एक किस्सा, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था तो उसका दोस्त उसके साथ रहता था. उसने कहा यार तू इतना झूठ मत बोला कर, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है. तो कहता मुझे पता नहीं लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ. अच्छा. तो कहता नेक्स्ट डे मैं खांस दिया करूंगा. अच्छा. अगर तू झूठ बोल रहा है तो. नेक्स्ट डे फिर वो महफिल में बैठे थे तो उसने कहा कि यार कल मैं जा रहा था सड़क पे, मैंने 100 फुट का सांप देखा. तो कहता कहता 75 का तो होगा ही. तो वो फिर आता कहता नहीं मेरे ख्याल से 60 का था. कहता इससे कम नहीं हो सकता. आपके शो में बहुत सारे लोग आते हैं प्रमोट करने के लिए और कहते ना यहाँ पर डेरा डालना पड़ता है पिक्चर को ले जाने के लिए. नहीं नहीं, इट्स अ फैक्ट, सो नो नॉट टेक इट सर. बट दिस फिल्म इज अ जॉय टू प्रमोट ऑन एनी प्लेटफॉर्म. क्या बात. एंड ऑन योर प्लेटफॉर्म इतने गर्व से इसके बारे में बात कर सकते हैं. और हम बोले ही चले जा रहे हैं, इनको तो हम मौका ही नहीं दे रहे वैसे. बहुत मजा आ रहा है मैम. ये बहुत कम होता है कि जब ऐसे मेहमान बैठे हों सामने और ऐसे दिग्गज, तो हमें तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं जो आप बातें सुना रहे हैं. मजा आ रहा है सर और सीखने को मिलता है आपकी बातों से. मैं किस्सा सुनना चाहता हूँ. श्याम कौशल जी आए थे उनके टीम के साथ, विकी के वालिद, और वो आए और उस दिन उन्होंने कमाल का एक डायलॉग बोला. तो मुझे लगा कि मैं स्टंट करने आया हूँ. स्टंट नहीं, सत्संग करने आया हूँ, ऐसे लग रहा था ऐसे सेट पे. अच्छा. बिकॉज ऑफ सूरज जी एंड द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, इट इज सो प्योर. ये सेट इतना प्योर है कि मैं आपको कैसे बता. पर बीच में थोड़ी थोड़ी एक दो जगह गालियां भी सेट पर आई थी हमारे. गालियां जब क्या बात कर रहे हो. जब वो चलो दिखा देते फुल वाल. नहीं क्या दिखाना चाहते. आर यू क्रेजी विद दिस. नहीं 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 कुछ नहीं होगा, डोंट वरी. आइए. सूरज जी का जो अंदाज है डायरेक्ट करने का, सूरज बरजातिया जी का, ऐसा लगता है कि मतलब ये एक्टिंग करने को बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि आप चलो घंटी बजाओ मंदिर की. ही इज सो प्योर ह्यूमन बीइंग. और उनके सेट पर कोई नहीं ज्यादा, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं है. अब सीन ऐसा था, रियल पुल था. अच्छा, वो सस्पेंशन वाला पुल. तो उसमें ट्रैकर्स जो है वो आधे पुल पर जाना है उनको, और उनको चिल्लाना है कि यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो क्रॉस करना है. दूर थे और यहाँ पर सूरज मतलब जी डेढ़ किलोमीटर, एक किलोमीटर तो था कम से कम दूर. थोड़ा कम कर. मतलब हाँ आधा पौना किलोमीटर तो होगा. पौने से कम नहीं होगा, काफी था. हाँ. उससे कम नहीं होगा, सॉरी. अब आप मेरे साथ आ जाइए. मैं आपके साथ आ जाता हूँ. तो जो ये हमारे ट्रैकर्स थे उनको समझा दिया, तो वो भी बताइए कि वो सबको समझाते हैं कि. हाँ, इंडिविजुअली समझाएं. बेटा आपको ऐसे चलना है, ब्रिज पे जाना है. ठीक है बेटा, आपको बेटा जैसे जाना है ब्रिज पे जाना है. सुन लिया. नहीं नहीं नहीं, आपको वहां तक जाना है, ब्रिज पे जाना. तो वो आधे ब्रिज पे चले गए, उनको 10 बार समझाया कि तुमको जाना है, फिर मैं बोलूंगा आगे जाना है, इसके बाद शोर मचाने के बाद. अब वो ये हो गया, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये सूरज जी है. स्टार्ट साउंड. और ब्रिज वहां है. कैमरा एक्शन. सुना उन लोगों ने और फिर ब्रिज पे गए नहीं फॉर सम रीजन. इतना इन समझाने के बाद भी बच्चे गए. तो सूरज जी टेंशन. बेटा
बेटा आगे बढ़ो बेटा। तो अभी वॉल्यूम बढ़ाना पड़े। बेटा आगे बढ़ो बेटा। कोई सुने रे। लास्ट टाइम बोलो। बेटा आगे बढ़ो। Thank you. Wow. Lovely. Bahut acha gaya. Popcorn, popcorn. Thanda cold drink. उछलता पॉपकॉर्न। उछलता पॉपकॉर्न। वेलकम कोल्ड ड्रिंक, वेलकम पॉपकॉर्न। तुझे कहा था बड़े बड़े लोग आ रहे, बाहर नहीं आना। चल सर, ये सॉरी मेरा दोस्त है राजू। अच्छा। इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? कोई बड़ा आदमी भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखो ब्रो। सर एक्चुअली आई एम दी सीईओ ऑफ दिस सुपर हिट टॉकीज। ओ सीईओ, पहले डीईओ डीओ लगा के आया तू। कितना कौन सा सीईओ पजामा पहनता अभी? जिसके पास कोट पैंट नहीं होता। सर क्या हुआ, मेरा सारा खर्चा इधर हो गया सर। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये खरीद लिया है। कौन? कपिल शर्मा शो? नहीं नहीं, सुपर ही टॉकी सर। अच्छा, आप मेरे को ना पहले एपिसोड में निकलवाओगे? ये खरीदा है तुमने? हाँ जी। आपके दादाजी का डेंचर जो आपने गिरवी रखा है ज्वेलर के पास, वो तो छुड़वाया नहीं गया आपसे। सर इनके दादाजी की पोपले हैं, ये अपने मुंह से खाना चबा चबा के उनको देता है। ये ऐसे काम करते हैं ये लोग। दादी करती थी ऐसा। दादी? सर दादाजी को तो छोड़िए, दादी जी आपकी बड़ी फैन है। अच्छा जी सर। आपकी दादी जी? जी। अच्छा सर, जब उन्होंने आपकी कर्मा फिल्म देखी ना जी, ओ हो हो, कहती कभी बीमार हो जाए किसी आम डॉक्टर के पास जाती, कहती दवाई खाऊंगी तो सिर्फ डॉक्टर डैंग की खाऊंगी। सर जेल में क्या डायलॉग बोला था आपने? जी जी जी। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी राणा विश्व प्रताप सिंह। क्या बात, क्या खराब किया है डायलॉग तुमने। सर इसी चक्कर में मेरी दादी दो बार जेल गई है, शायद आप जेल में मिल जाओ। इस चक्कर में नहीं गई, वो तो साड़ी में माइक्रोवेव छुपा के भाग रही थी, पकड़ दिया। सर मैं सिर्फ ये कहने आया कि आपकी इतनी बड़ी फिल्म आ रही है ऊंचाई। जी जी। सर मेरे यहाँ पर उसका प्रीमियर रखी, मैंने अंदर ना प्रॉपर रेड कार्पेट बिछा रखे। हाँ, बस कार्पेट ही बिछा है सर, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, पर्दे के नाम पे उन्होंने दादा की धोती टांग रखी है, उस पर फिल्म चलाते हैं ये। उस दिन तो दादा गुस्से में आ गया, चलती फिल्म में से धोती उतार के ले गया और ये प्रोजेक्टर लेके दादा के पीछे पीछे। बाद में दादा की धोती नीचे गिर गई, फिल्म का क्लाइमेक्स तो दिखा नहीं, दादा का कच्चा इतना बड़ा दिखा। जा यार तू, मेरा मुंह ना खुलवा तू। सर आप यकीन नहीं मानेंगे। हाँ तो जब नहीं मानेंगे तो क्यों बता रहा फिर हमें? यार बात करने दे मुझे। यार तुझे जो चाहिए वैसे ही ले जा, फ्रूट वगैरह जो पिस्ता चाहिए, तंग ना कर। तो हमारे मेहमान आए, ऊंचाई फिल्म की प्रमोशन हो रही है और तू नीचे बैठ गया आके, अच्छा लगता है? तो भाई उन्होंने जितना काम किया वो ऊंचाई पे बैठ सकते, अभी मेरे को करना है, अभी मेरी यही जगह है। तो फिर अगर काम के हिसाब से बैठना तो गड्ढा खोद के बैठ। सर ये देखो, ये फिर यारी दोस्ती में आपके वाकई बहुत पुराने अच्छे दोस्त होंगे। सर कॉलेज से दोस्त है मेरा ये। सर उस समय थोड़े पता होता है कि किससे दोस्ती रखनी चाहिए। गंदी हरकत करता है सर बड़ी, प्याज का रस निकाल के मलके आ जा, पता नहीं क्या क्या करता है, मुझे पता नहीं कौन सी मेथड एक्टिंग करता है ये। प्याज का रस मैं इसलिए लगाता हूँ मच्छर पास नहीं आते। और जो तेरी बीवी दूर भाग जाती हो, इसका क्या है? सर बीवी तो दूर ही भागनी चाहिए। क्यों? सर आप शादीशुदा नहीं है? मैं नहीं चाहता कि बीवी दूर भागे। अच्छा? हाँ, ये आपके स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा। तुझे पता है वो कौन है सामने? उनके सामने इम्प्रोवाइज करता है। ये तो ऐसी हरकतें करता है सर। इसकी जब शादी हुई ना सुहागरात वाले दिन, तो ये अपनी बीवी का घुंघरू उठाने लगा, वो कहती कुंडी तो लगा लो, ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया। अर्चना जी, उसकी बीवी ने फिर कहा, फिर वापस ढूंढ के लाया, कहती कोई ऐसी हरकत करो जो आज तक किसी ने ना की हुई। कहता इसी वजह से मैं चार बड़े लोगों से तेरी मुलाकात नहीं कराता कभी। मत मिला यार किसी से, मिला के तूने ये हाल करना होता मेरा। सर आप मुझे मिलाइए, देखिए सूरज बड़जात्या साहब से एक बार मिला दीजिए। 100% है ना, 35 साल पहले उन्होंने एक लड़के को लॉन्च किया था, आज दुनिया उसे सलमान खान कहती है। अच्छा, उनको बता दो कि मार्केट में एक नया लड़का आ गया है।
मैं आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि अपने सिनेमा हॉल के बाहर आप जरूर हमारे पॉपकॉर्न बेचें। असरानी साहब के पास एक स्कूटर होता था, सेम ऐसा ही दिखता था वो, चलता है जिसने। अच्छा सर, इधर उधर ही सारी बातें कर लेता है, ओ मेरी एक्टिंग की बात कर। मैं तो कहता हूँ तू भी ना कर, इनके सामने मत कर। तुझे देखा नहीं जब से आया मैं चुप बैठा हूँ और तू इनके सामने एक्टिंग की बात कर रहा है। उनका एक्टिंग स्कूल है, अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल है। अनुपम खेर साहब आप खुद एक्टिंग के इंस्टीट्यूट हैं सर। जब आप पहली बार आए 28 साल के थे, आपने बाप का रोल किया। जी जी जी। उसके बाद इंडस्ट्री के जितने बड़े आर्टिस्ट सबके बाप का रोल किया। जी जी। और सब सुपरहिट। मेरे भी बाप बन जाओ सर। 100%। पहले ये बात अपने बाप को बोलो कि वो तुझे खुद नहीं अपना बेटा मानते। लोगों के बाप बच्चे के नाम जायदाद करते हैं, इसके बाप ने इसके नाम पे FIR कराई हुई है। बाकी अनुपम सर आप हमारी जान है, आप चाहें तो आप कैमरा बंद करा के इसको पीट सकते हैं, ऐसा कोई हम गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, कैमरा ऑन रखिए प्लीज। बोमन सर, सर आप दोनों हाथों से लिख लेते हैं, इसका मतलब ये दोनों मिलके मुझे मारो। बस सर, राजू की आज पहली एंट्री, वेरी गुड जॉब ब्रो, लव यू। वेरी गुड राजू, फर्स्ट एंट्री। अरे वाह, फर्स्ट एंट्री, मुबारक हो, मुबारक हो, फर्स्ट एंट्री, जबरदस्त, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू। और तुझे पता सारिका जी भी आज पहली बार आई है, तो आज से इनकी गाड़ी का ड्राइवर तू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बादब बामुलायजा होशियार निगाहे रूबरू जिल्ले मलाई जिल्ले मलाई जिल्ले कड़ाई जिल्ले आजा अकबर से। क्या कहा आपने हमें? अकबर सेठ। अकबर सेठ क्या होता है? हम क्या आपको गुड़ की बोरियां सप्लाई करते हैं? और पहली बात तो हम खाना खा रहे थे, आपने खाम खाम बेवजह हमें बुला लिया, लेकिन खाना बड़ा लजीज था। बचा हुआ जो खाना है सेनापति के यहाँ भेज दीजिए आप। जो आप खाना खा रहे थे वो भी सेनापति के घर से आया हुआ था। तौलिया है? अरे तकिया है? अरे यार क्या कहते हैं उसे, तखलिया, तखलिया हटिया। भाई मेहमानों से मुलाकात करें। आदाब हुजूर। आदाब हुजूर। आदाब मोहतरमा। आदाब। आदाब नीना जी। हाँ जी। आदाब। आदाब जी। बस कर यार। नहीं खैर, बहरहाल हम अपना तारुफ करवा दें तो हम हैं बादशाह अकबर और ये हमारे दूर के बेटे सलीम। दूर के बेटे। दूर के बेटे क्यों, हम क्या युगांडा में पैदा हुए हैं? हम आपके सगे बेटे हैं अब्बा हुजूर, क्लोज टू योर हार्ट। लेकिन हमारी पहली औलाद और आपके बीच में 25 और औलादे हैं। यही वजह है कि इनके खजानों के वांदे हो गए हैं। भाई हमारे खजाने तो वापस आ जाएंगे, तभी तो हमने अपने बंदे को UK का PM बनाया है। हम बड़े फैन हैं आप लोगों के। अनुपम जी, हमने वेडनेसडे में आपका काम देखा। जी जी। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे संडे में आप हमारा काम देखते होंगे। भाई आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। एक काम कीजिए, 4 बंगले इनके नाम पर मुहैया करा दीजिए। ये खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में रह रहे हैं। मुहैया करा दीजिए। आपको शर्म आना चाहिए, आप बातें करते हुए बहक जाते हैं। उस दिन हम अगर बहके ना होते तो यहां पर आप खड़े होके चहक ना रहे होते। लेकिन आपके हम बहुत बड़े कदरदान हैं। क्या बात है, क्या बात। बादशाह सलामत कीजिए हो। बादशाह आपने हमें याद किया। ओहो,
एक तो इस बरखुरदार ने हमारी नाक में दम कर रखा है जी। जरा सी हम ताली बजा देते हैं, ये आ जाते हैं। याद किया। अब तो हम ताली बजाने से इतना घबराते हैं, खौफ है हमें ताली बजाने का। अब तो हम मच्छर भी अपने मुंह से पकड़ते हैं। ये कर दिया तो ये आ जाएंगे। अब तो हमने ये भी बंद कर दिया है, ये आ जाएंगे। अब हुजूर, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। व्हाट? आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाली ताली बजाइए, आप ऐसे बजाइए। नहीं, बजा तो दें, लेकिन अगर कोई ढोलक लाके हमारे हाथों के बीच में रख गया तो अच्छा खासा बादशाह ढोलकी वाला बन जाएगा। यही इसी तरह की छपरी हरकतें करते रहते हैं ये। आपके वैसे नाम के वांदे होंगे अब्बा हुजूर। ए, हमारे अब्बा हुजूर के ऊपर हंसते हो? माना कि ये फनी दिखते हैं। है? माना कि जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है पेंगुइन की चप्पल टूटी हुई है। माना कि ये सब हो रहा है। रुक जाइए। अब तक एक ही हंस रहा था, अब पचासों हंस रहे हैं। रुक जाइए सेनापति, जाइए जंग की तैयारी करिए, जाइए। लेकिन जंग तो कहीं हो नहीं रही है। अबे तो जाओ, लोगों को लड़ाओ, हमारे डैडी आजम को बिजी करो, जाओ। आप जाइए, लेकिन जंग पर इस तरह मत जाइएगा, पूरा तैयार होकर जाइएगा। अब्बा हुजूर, बी प्रिसाइज तैयार होके क्या मतलब है? पिछली बार आपने कहा कि तैयार होके जाओ, ये सारे लोग लाली पाउडर लगा के चले गए। उसके बाद दुश्मनों ने इनको मारा कम उठा कर ज्यादा ले गए। ठीक है, देखिए ये सारी बातें तो खैर होती रहेंगी। लेकिन जो मेन मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए थे, नीना जी आप आज यहाँ पर आई हैं, तो हम आप अरे अरे क्या हो गया? क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? हम आप हमें बड़ी शर्म आ रही, हम कह नहीं पाएंगे। आप हमारे बारे में जरा बताइए ना। नीना जी, ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम, अभी सर्दियों का मौसम करीब है, बराए मेहरबानी पुराना कंबल दे दे, इनका झोल हो जाएगा। थोड़ा वो वाली बात नहीं, वो प्यार वाली बात, प्यार। आप प्यार से इनको कंबल दीजिए। अरे वो बेगम वाली बात। ओ अच्छा, आपके पास अगर स्पेयर में कंबल है तो इनकी बेगम को दे दीजिए, उनका भी जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाँ तो तमीज का नंबर दीजिए। आपको शायद पता नहीं है हमारी सल्तनत में हमारा कितना दबदबा है। वो दबदबा नहीं, आपका पेट है। भाई हम अपनी सल्तनत से आपको बाहर निकाल देंगे। बाहर जाकर हम आपकी चुगली कर देंगे, हमारे अब्बा को ठंड लगती है। अनुपम जी, आपको पता है जी, पिछली लड़ाई में दुश्मन राजा ने बर्फ का गोला दिखाकर इनसे दो राज छीन लिए। पता है क्या करते? अरे पता है क्या, ये क्या अन्नू कपूर है जो इनको सब पता होगा? अन्नू कपूर कहां से बीच में आ गया? वो बीच में आ जाते हैं तभी तो उन्हें सब पता होता है। राइट। थोड़े वक्त पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध हमने जीता है, हमें नहीं पता। जंग तो हम जीतते रहते हैं, चलता है, इतिहास गवाह है। जब जब हमारी मयान से हमारी तलवार निकली है तब तब इनके पजामे का नाड़ा कटा है। देखिए आप लोग इतने मायनाज मुमताज शख्सियत हैं, आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अब्बा हुजूर जंग की वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं। तो प्लीज अगर आप लोग बुरा ना माने, नीना जी आप थोड़ा डांस कर देंगी अब्बा हुजूर के, दिल बहल जाएगा इनका। अरे सारिका जी आप भी आइए, जरा सा ऐसा शेक लेग अगर बंद डांस। अनुपम जी सर, वाह बढ़िया, लगान होगी। आइए यहां पर, बहुत अच्छे। अच्छा, आम तौर पे आप सब जानते हैं कि जो भी एक्टर जो फिल्में करते हैं, साल में एक दो या तीन फिल्में करते हैं, लेकिन 1981 से 82 के दरमियान सारिका जी ने 25 से ज्यादा फिल्में की थी। वाओ। तो उस समय इतना आपने कैसे मैनेज कर लिया? मतलब आप सेट आपके घर के पास था कि सेट कोई घर बनाया हुआ था आपने? कैसे इतनी फिल्में? उस वक्त बहुत जल्दी फिल्में बनती थी। जल्दी कितने में? आधे आधे घंटे में बन जाती थी। फिर भी मैम बड़ा मुश्किल होता कि नहीं सर? उस वक्त लंबी जो ज्यादा वक्त लगा वो जैसे जानी दुश्मन, यू नो, उस तरह की फिल्म वो 6-7 महीने में बनती थी। अच्छा जी, जब मुझे काम मिला था तो मैंने एक साल में 57 फिल्में की थी। हाँ जी, 57 फिल्में। यू कैन डू दैट। इतना काम क्यों करते थे? कर्जा था आपके सर पे क्या?
क्योंकि बहुत सारे काम मिलने से पहले बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी थी, काम मांगता नहीं था, खाना होता नहीं था, नहीं था, तो भगवान से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन काम मिलेगा उस दिन काम को लेकर कभी मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनी आज तक, दो तीन को छोड़ दो, बाकी में सब में अनुपम खेर साहब हैं ऑलमोस्ट। जावेद साहब का बड़ा अच्छा एक जुमला था उन दिनों, वो कहते थे कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट टू थिंग्स, फिल्म रॉ स्टॉक एंड अनुपम खेर। मुझे याद है जब स्ट्रगल करने गया था तो मुझे बोला गया कि आप आइए, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ताराचंद बड़जात्या जी आज आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने एक प्ले किया था गिधाड़े, विजय तेंदुलकर साहब का, तो उन्होंने कहा आइए बैठिए ताराचंद जी ने, आप कुछ मुझे एक्टिंग करके दिखाइए। तो मैंने ऐसे एंटर किया, वो बैठे थे जहाँ आप बैठे हो, तो मैंने कहा जी मैं बाहर से एंट्री लेना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा आज तो यहाँ से मैं रोल लेके निकला ही निकला, दिस इज मच बिफोर सारांश। तो मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा ए तुम, कहते एक मिनट रुकिए क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी इस कैरेक्टर ने शराब पिया, भाग जाइए दोबारा यहाँ पर कभी बताना। बाप रे। तो इसीलिए इस गाने में सूरज ने पहली बार एक गाने में ड्रिंक दिखाई है फिल्म में, खुद ही कहते हैं। तो ये देखिए ये इतनी इस परंपरा को बरकरार रखने वाले पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल होता है सर, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फिल्म आपको आशा देती है, होप देती है कि जिंदगी में जज्बा सही हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल। मीना जी के बारे में हमने एक बात सुनी मैम कि आपको अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए तो आप पैसे की परवाह नहीं करती, आप काम शुरू कर देती हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कभी आपने ऐसे ही स्क्रिप्ट पसंद आ गई हो, काम शुरू कर दिया हो, बाद में पता चला हो कि स्क्रिप्ट तो अच्छी है, शूट ठीक नहीं हो रही, और फिर आपने रुकवा के बोला हो कि पहले पैसों की बात कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है? आप गलत झूठी बातों पे विश्वास न कीजिए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात, स्क्रिप्ट पसंद भी आ जाए तो मैं बिना पैसे के काम नहीं करती। सवाल ही गलत है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखना, अब तो पता नहीं होता कि नहीं, बट मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, पापा जी इसमें कम करो कि पूरी पिक्चर में थोड़ा नुकसान हो गया, इसमें आप 2 लाख रुपया कम कर दो, एंड में कम कर दो, मैं आपको अगली पिक्चर में मजा ले, उसके बाद किसी भी पिक्चर में ले ले वो। कभी भी नहीं ले, उस 2 लाख के चक्कर में आगे कितना नुकसान हो जाता है वो। हाँ वो नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था अब। पर एक बात थी उन पहले के जमाने में और आपके जमाने, हमने आपने कहा ना बॉन्डिंग हमारी कैसे हुई जी, सबसे बड़ा इसका रीजन था कि देयर वाज नो वैनिटी वैन्स इन नेपाल। नहीं, इवन इन ऊंचाई के जब हमने शूटिंग की थी नेपाल में, तो वहां पर शॉट देने के बाद पहाड़ के नीचे बैठना पड़ता था, बिटवीन शॉट्स का जो टाइम होता है ना, तो इसलिए देयर वाज मोर बॉन्डिंग, दैट इज द बॉन्डिंग टाइम। हमारे बच्चन साहब इस समय इस शो में नहीं है, आई मस्ट से दैट बच्चन साहब ने इस फिल्म को डिग्निटी दी है बाय हिज प्रेजेंस, ऑफ कोर्स बाय हिज परफॉर्मेंस, हिज टावरिंग दिस थिंग। हमने तो जब शूटिंग की गर्म कपड़ों में वहां पर, उसके बाद उन्हीं कपड़ों में कुछ सीन हमको दिल्ली में करने थे। अच्छा जी। तो वहां पर था -4, -3, -2 और फिर दिल्ली के 44 डिग्री सेंटीग्रेड में शूटिंग कर, उतने गर्म कपड़े पहन के बच्चन साहब यार उनके चेहरे पर शिकन हो जाए, उनको गर्मी नहीं लगती, बैठे रहते जैकेट पहन के गर्मी में बाहर। मुझे मेरा पहला किस्सा याद आ गया, मैं आखिरी रास्ता की शूटिंग पे गया था, मेरा पहला बार मैं बच्चन साहब को मिल रहा था, और तब तक मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, मैं 25-30 फिल्में कर चुका था, मुझे एसी चाहिए होता था, पंखा चाहिए होता था, मैं कह रहा था, और चेन्नई में शूटिंग थी, तो चेन्नई में मैंने कहा मैं मेरा एसी किधर है यार, एसी कमरे मेरे एसी के बगैर एक्टिंग नहीं निकल रही है, गर्मी बहुत है, ओ माय गॉड पंखा चलाओ यार। तो मैंने कहा मेरा पहला सीन किसके साथ है, कहता बच्चन साहब के साथ। मैंने कहा अच्छा, बच्चन साहब देखा सेट पे बैठे हुए, दाढ़ी मूछ विग पैंट शर्ट कंबल ओढ़ के बैठे हुए, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो सर, कहते हाँ अनुपम आए ना, बैठी बैठी आपकी सारांश देखी बैठी। मैंने कहा सर सर इतनी गर्मी में आपने ये दाढ़ी मूछ विग लगा, आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे कहते हैं गर्मी के बारे में सोचता हूँ अनुपम तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। And that man is still like still that at the age Actually. of 80. क्या बात है? He's such an inspiration. वाह वाह बच्चन साहब, we love you sir. मैं बहुत सारे shows किए abroad. इनके गानों पे जो लोगों का reaction was unbelievable. सर एक्चुअली क्या होता है कि लोग किशोरदास से प्यार करते हैं, जगजीत साहब से प्यार करते हैं, और वो मोहब्बत उनके उनके साथ है लोगों की, और फिर वो जब आप किसी का गाना गाते किशोरदा का या
तो वो उन्हीं की मोहब्बत होती है जो आपके हिस्से में आ जाती है. तो ये लव यू किशोरदा, क्या बात है. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो आपके फैंस जो होते हैं, पिक्चर्स के नीचे कमेंट बड़े मजेदार करते हैं सर. आई नो. तो कुछ पिक्चर्स हमने निकाली हैं. अनुपमा जी तुसी इधर आ जाओ. आप मानेंगे नहीं, जब मैं आपका शो देखती हूँ, ये देखती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि इसमें मैं तो आ ही नहीं सकती. दिखाइए जरा पिक्चर्स. अच्छा हाँ, बिकॉज यू आर नॉट ऑन दिस. ये बमन सर ने फोटो डाला है शेक्सपियर्स होम टाउन, और इसके नीचे हम कमेंट्स देखते हैं. लगता है इनके सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसी को ये इंस्पिरेशन बोल रहे हैं. बमन सर पर्दे खोल रहे हैं ताकि अंदर रोशनी आ जाए. किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई रोशनी घर पे आई हुई है इसीलिए पर्दे लगा रहे हैं. वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट. वेरी नाइस. और दिखाइए. और भी है कमेंट्स. जब होटल वाले आपको स्विमिंग पूल व्यू दे दे तो बंदा ऐसे ही खुश होता है. वेरी नाइस. और दिखाइए. कांग्रेचुलेशंस रजनी सर. ओ वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर. दिखाइए नीचे कमेंट्स. आज रजनी सर फ्लाइट में है, 4 घंटे की फ्लाइट 1 घंटे में ही पहुंच जाएगी. ओह माय गॉड. अभी नीना जी थोड़ी देर में रजनी सर से रिक्वेस्ट करेंगी, मुझे उल्टी आ रही है, विंडो सीट दे दो. और दिखाइए. ओह वाओ, आई लाइक दिस पिक्चर, होप यू लाइक इट टू. ये कहां से आइडिया आते हैं अनुपम सर आपके दिमाग में? ये बहुत पुराना, मैं केरला में आयुर्वेदिक सेंटर में. अच्छा जी. तो वहां पर एक कुछ 100 साल पुराना महल है, तो उसमें एक बाथ टब है. मैंने चाइल्ड इज इन द बूम ना, ही और शी इज लाइक दैट, तो मैं ऐसी लिया और टॉप एंगल से. बहुत अच्छी पिक्चर है सर. दिखाइए नीचे कमेंट्स. लगता है इन्हें नींद में चलने की बीमारी है. किसने रिप्लाई किया, अच्छा हुआ नींद में चलते हुए ये बाथरूम में आ गए, किसी और के बेडरूम में चले जाते तो अनुपम साहब की खैर नहीं थी. वेरी नाइस. और दिखाइए. मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे था और अचानक उसका हस्बैंड आ गया. आप सीधा उठ के फ्लाइट भी ले सकते हो, आपके कौन से बाल बिखर जाएंगे. और दिखाइए. अरे थिएटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वन ऑफ द मोस्ट सो मच इंग्लिश. अक्षरा ने ये फोटो डाला है, नीचे कमेंट्स देखते हैं. इनकी खुशी से लग रहा है आज पूरे 1 हफ्ते बाद गोलगप्पे वाला गली में आया है. जरूर रास्ते में इन्होंने ज्वेलरी पर हैवी डिस्काउंट का बोर्ड देख लिया है. देखो सर लोग कितने क्रिएटिव हैं. और दिखाइए नीचे. बमन सर ने फोटो डाला. इट्स इंपॉर्टेंट दैट इट इज सेड दैट दिस हैज बीन द फाइनेस्ट वार्मेस्ट हैप्पीएस्ट क्रू वी हैव एवर फ्लोन विद. दिखाइए नीचे कमेंट्स. फोटो तो सिर्फ स्टाफ का हो रहा था, बमन सर अचानक बाथरूम से निकल के आ गए. फन फैक्ट, जब एयर होस्टेस सुंदर हो तो बंदा बेल नहीं बजाता, खुद जाके पानी मांग लेता है. और दिखाइए. एक्चुअली तो हम सीधे सादे लोग हैं, स्टिल फ्रॉम अवर अपकमिंग फिल्म ग्वालियर. नीना जी ने फोटो डाला है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. इसमें तो जबरदस्त होने वाला. संजय सर गुस्सा है, जो गर्म पानी उन्होंने अपने लिए किया था उससे नीना जी नहा ली. किसी ने रिप्लाई किया, नहीं नहीं संजय सर गुस्सा है, खुद तो तैयार हो गई, मुझे पजामा भी नहीं बदलने दिया. ऐसी जोड़ी तब ही बनती है जब आदमी की सरकारी नौकरी हो. और दिखाइए. अनुपम साहब ने फोटो डाला है विद बर्थडे बॉय डेविड धवन. डेविड सर तो है नहीं फोटो में. नहीं, हम उनकी पार्टी पे गए थे तो 4-5 फोटो थे तो उनमें से इसमें उनमें नहीं है. दिखाइए नीचे कमेंट्स. कोई डेविड जी के साथ भी चले जाओ, वो अकेले बिल देने गए हैं. फोटो में सब फोटोग्राफर को देख रहे हैं, सिर्फ शक्ति जी हैं जो रिसेप्शनिस्ट को देख रहे हैं. आओ आओ भी लिखा है. सतीश जी को देख के मेरा ये भ्रम टूट गया कि आदमी काले रंग के कपड़ों में पतला दिखता है. और दिखाइए. श्रुति ने फोटो डाला. योर मदर एंड सिस्टर डोंट नो हाउ टू लुक एट द कैमरा. दिखाइए नीचे कमेंट्स. ये कहीं से भी सेल्फी लें खराब नहीं आती, और हम कहीं से भी ले लें अच्छी नहीं आती.
जिंदगी का एक फलसफा बताने जा रहा हूँ, माँ सुंदर हो तभी बच्चे सुंदर निकलते। ये तीनों बहनें एक्ट्रेस हैं। That's amazing. और दिखाइए। Can't wait to hear your actions. Let's have fun. Guess who am I waving at? Wrong answers only. नीचे दिखाइए कमेंट्स। ट्रैफिक पुलिस को, ताकि वो आपको पहचान ले और चालान ना काटे। वाइफ को, पड़ोसी की। उन बंदों को जिनसे आप कार को धक्का लगवाएंगे। और दिखाइए। ये हमारी फिल्म का स्टिल है। अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम, अमेरिका में टिंडा खरीदना हो तो इंग्लिश में टिंडे को क्या बोलते हैं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, तू पहले पासपोर्ट बनवा। नीना जी, अमेरिका में कितने की सब्जी खरीदने पर धनिया फ्री देते हैं? देख लो। ये देख रही है कि अगर निर्मला ने अच्छी सब्जियां चूज की तो स्क्रिप्ट भी इन्हीं से चूज करवा लूंगी। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर रॉबर्ट डी नीरो। वाओ, नीचे कमेंट्स दिखाइए जरा। जब खाने के बाद वेटर आके पूछे कि बिल कौन देगा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आपने अंग्रेज के साथ फोटो खिंचा ली है, अब आप भी अपने गांव में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे कि कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। एक मैंने कहीं बोर्ड लिखा था दिन दिहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। देखा कभी? बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, सोशल मीडिया, दिन दिहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। बैंक डकैती सिखा रहे हो। और दिखाइए कमेंट्स। सर, मेरे पास भी आपके साथ की एक फोटो है, मैं भी उस फोटो को डियरेस्ट फ्रेंड लिख के डाल सकता हूँ। और दिखाइए। खत्म। वाह, इस बात से कपिल, एक बात तो प्रूव होती है कि इंडियंस हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे सर, कमाल का, कमाल का। अमेजिंग, अमेजिंग। एक शेर अर्ज कर रहा हूं के ऊंचाई पे, ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। वाह वाह, ऊंचाई पे, ऊंचाई पे, ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं चार महान कलाकार। वाह, नमस्कार, नमस्कार। सर, ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा। हाय हाय। ओहो, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह, बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो। ये जो गलत गलत शेर पढ़ते हैं आप, इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे आप। फेमस? हाँ। फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए, फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए। ये बात है। ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब। अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है। आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ। और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं, आप सामने से भी दिखते हैं। बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार, कलाकार हमेशा तालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी। सागर साहब। हाँ जी। आपको वो बुला रही है। कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप। जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है। बुलाती है मगर, बुलाती है मगर जाने का
नहीं, मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं। और अपने हाथ जेब में रखना, यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं। क्या बात है बमन साहब जी, आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत सख्स क्या होता है जो ऐसे ऐसे करके संघर्ष, बहुत आपने स्ट्रगल किया है, आपके संघर्ष पे चार लाइनें अर्ज करना चाहूंगा इसी, कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब हाँ सुनाओ बहुत बढ़िया। आप सुना रहे थे, सुनाते सो जाते हो आप, तो मैं सोते शेर कैसे सुनाऊंगा। अभी उठ गए, सुनाइए ना आगे। अर्ज कर रहा हूं कि मेहनत करता है जो शिद्दत से, वो लिखता है अपनी अलग कहानी। क्या लेंगे जनाब, चाय या पानी? ये क्या शायरी हुई यार, वो आए शायरी तो चलती रहेगी, मैं चाय पानी ना पूछूं उनसे। सारिका जी, जी मैंने सुना है कि आप 5 साल की उम्र में आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जी मैंने भी अपनी पहली शायरी 3 साल की उम्र में शुरू की थी। आज भी मुझे वो याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा। जी जी इरशाद। इरशाद। उपल पंता तलता है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ये क्या था ये? 3 साल का बच्चा ऐसे ही चल के सुनाएगा ना शायरी? तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई और यहीं आपका अंत होगा देखना। और ये देख के मेरे माँ बाप ने पहले कह दिया था, ये बच्चा मेरी शायरी सुनी, उन्होंने कहा ये बच्चा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और आज देख लीजिए मैंने बाल बड़े किए हैं। आपने बताया नहीं सागर साहब, करने क्या आए आप यहाँ? मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। नीना जी कैसी हैं आप? शायरी तो हुई नहीं, बताया नहीं हुई, इसलिए मैं नीना जी से बात करने लग गया। नीना जी आपकी जो बेटी हैं, हाँ जी, वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनसे कह दें कि मेरे लिए एक चोली और एक लहंगा सिखवा लें। क्यों? क्योंकि क्या है कि परसों मुशायरा है और मैं लेडीज संगीत पे जा रहा हूँ मुशायरा करने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी में वजन आ जाए, इसलिए मैं भारी लहंगा चाहता हूँ पहनना। वजन से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, कि तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी छुप सकता है। तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी ही छुप सकता है। बहुत हो गई ये शायरी, अब किसी भी वक्त उनका हाथ उठ सकता है। आज से याद आया, मैं एक वो लाया हूँ। क्या है ये? मेरी किताब छपवाई है मैंने, अगर आपके हाथों इसका मुहूर्त हो जाए मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ये क्या है, शर्म नहीं आती आपको? किसी और की किताब के ऊपर अपना नाम चिपकाया आपने। तो 2 शब्द लिखने से किताब मेरी हो जाती है, तो मैं 250 पन्ने क्यों लिखूं? अनुपम साहब आपको पता है, जी जी मेरे पे परमात्मा की बड़ी कृपा है। ऑफ कोर्स नजर आ रही है। मेरे पे इतनी कृपा है कि मैं किसी भी बात पे शायरी बना लेता हूँ। अच्छा। वाह, उनको नहीं सुननी है। उनको नहीं सुननी है। आप निकलिए यहाँ से। आप निकलिए यहाँ से। उनको नहीं सुननी है। आप निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए दफा होइए। उनको डरा रहा है, आदत है उसकी, डरा रहा है। मैं अभी गिरा नहीं हूँ, सर पे चिड़िए का घोंसला जरूर है पर मैं चिड़ा नहीं हूँ। ये इतने प्यारे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा डंडा कहाँ है? डंडा
डंडे पे मेरे को नहीं आती शायरी। जाने से पहले बस एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, बाय। इट्स सो गुड, अमेजिंग। अच्छा, आप सबने ऊंचाई का ट्रेलर देखा। रिटायर्ड नौजवान जो हैं, अपने दोस्त की खातिर फैसला करते कि हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जिनके आड़े उम्र नहीं आनी चाहिए? वो काम कभी भी किसी उम्र में भी किया जा सकता है। आप अपने अपने विचार हमारे समक्ष रख सकते हैं। जी जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो, मैं जगदीश अग्रवाल। एक एज ऐसी होती है जिसमें हम सोचते हैं कि कुछ भी काम कर सकते हैं। कौन सी? मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूं। और कितना, दो ही लोगों का गांव है? नहीं सर, है। अग्रवाल साहब कहाँ से बताए? वैसे तो बॉम्बे से आया हूँ, लेकिन ये राजस्थान से हूँ। अच्छा जी, माउंट आबू रोड से। हाँ, माउंट आबू। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जी सर, बहुत छोटा सा गांव है और बिल्कुल पहाड़ की ओट में गांव है। तो सर वहाँ पे सब पहले शौचालय नहीं थे, मैं छोटा था, तो सब शौच के लिए भी पहाड़ की हाइट पे जाते थे। पहाड़ पे चढ़ के सर। हाँ सर, बिल्कुल ओट में ही है, शौचालय थे ही नहीं सर उस टाइम। तो वहाँ पे हाइट पे जाते थे और सर मेन चार्म ये था कि हम उस टाइम मोर के पंख होते हैं वो कलेक्ट करते थे। और वो मोर भी उधर ही जाता होगा पहाड़ पे। मोर सर मॉर्निंग में 5-6 बजे जाते थे। और मोर जब जाता होगा देखता होगा आदमी मोर बने पड़े यहाँ पे। सर मॉर्निंग में 5-6 बजे, क्योंकि वो हम 20 पंख कलेक्ट करते तो 1 रुपया मिलता था, वही हमारी पॉकेट मनी होती थी उस टाइम। लेकिन सर अब हम कभी जी गाँव में जाते हैं तो घर वाले वगैरह जाने नहीं देते कि आप गिर जाओगे, पड़ जाओगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये हो जाता है। मतलब घर वालों से आपका क्या मतलब है? घर वाले नहीं, आप घर वाले क्यों, घर वाली जाने नहीं देती या घर वाले जाने नहीं? घर वाली सर, बच्चे, बच्चों की बात इस बारे में कभी मैं सुनना। ये बच्चे भूल जाते हैं कि अरे उन्होंने, आपने उनको पैदा किया है, मतलब आप उनके बाप हैं रिश्ते में। ये आपकी कमजोरी है कि आप उनकी बात सुनते हैं। ये इनका वर्जन है जो आपने सुना, क्या पता इनकी पत्नी को प्रॉब्लम हो, कहीं और किसी मोरनी के साथ ना नाच रहे हो। हमें क्या पता अग्रवाल साहब, मिसिज अग्रवाल, आप शादीशुदा हैं? यस सर। फिर तो चले जाओ पहाड़ों पे। शुक्रिया अग्रवाल साहब, धन्यवाद। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी फिल्म की शुरुआत मैंने 44 की उम्र में की। 35 की उम्र में मैं फोटोग्राफर बना, उसके पहले मैं दुकानदार था। 44 की उम्र में मैंने डेब्यू की हिंदी फिल्मों में। और अगले साल मैं आई बी 63, मैं एज अ डायरेक्टर डेब्यू करूंगा। लवली। तो मैं यही कहता हूँ, कोई मुझे बोला आप 63 की उम्र में आप डायरेक्ट, मैंने लिखा भी है और मैं डायरेक्ट भी करूंगा। और मेन चीज क्या है, ये रूल्स किसने बनाए कि ये उम्र में ये करनी चाहिए और ये उम्र में? वो रूल बुक मुझे मालूम नहीं, मैं अपना खुद के, अपने खुद के रूल्स बनाता हूँ। वी शुड डू एवरीथिंग इन दिस लाइफ टाइम, जो भी मन में आए कर लो। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी जी भाई साहब। हाय एवरीवन, माय नेम इज राजेश, आई एम फ्रॉम गुजरात भावनगर। सर अभी जो बमन साहब बता रहे थे कि उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, जी, तो मैं वही बता रहा हूँ। अफेयर में भी कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। अफेयर कब, कोई भी उम्र में अफेयर कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं? अफेयर, 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 आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने अभी बताया, मतलब नहीं कर सकते हैं। अफेयर का तो पता नहीं, इनका तलाक आज याद जरूरी हो जाएगा। ये देखिए आप इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं लोगों को, और मोटिवेट करो आप। देखो आप क्या रिजल्ट आ रहे हैं सर। सर इनको ब्रेवरी अवार्ड दे। पहले क्या क्या ब्रेवरी अवार्ड क्या होता मैडम? पहले क्या हुआ, अरेंज मैरिज हो गई, फिर बच्चे हो गए, वो तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, प्यार करने का टाइम नहीं मिला, अफेयर का टाइम नहीं मिला, तो मेरे पे सब धकेल दो। हां बोला, आप अपनी ही बीवी के साथ इस उम्र में अफेयर कर सकते हैं। देखा, आपके रडार में कौन कौन है आपके भावनगर में? रडार में तो नहीं सर, मगर ये तो अच्छा, मतलब ही इज कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। अच्छा बताइए। ओहो सर, आप आज यहाँ किसके साथ आए हैं? बीवी के साथ। बीवी के साथ कहाँ है आपकी बीवी? ये लो आपकी बीवी, अफेयर कर लो। तो क्यों करी नाखो अफेयर, दर अठवाड़िये अफेयर करी नाखो तुम्हें। धन्यवाद सर। बाकी घर जाके थोड़ा ज्यादा जोर से नहीं मारना, जितना आपको डिसेंट ठीक ठीक लगे।
पर सर आप बड़े मजेदार हैं, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीबॉडी। कपिल, आई एम फ्रॉम पनामा। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। थैंक यू ब्रदर। पर आपने पहली लाइन क्या बोली? आई एम फ्रॉम पनामा, लैटिन अमेरिका। ओह, लैटिन अमेरिका। ये नया अमेरिका कोई? तो जो भी घर में आता है, मैं आपका ट्रांसलेशन सब लोग को आपका प्रोग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं वो लोग जो वो लोग हिंदी नहीं बात करते, उधर इंग्लिश और स्पेनिश बात करने थे। ओके। और दूसरी, जो आपने पहले जो बोला एज का, एज की आप जो बोलते हैं एज की लिमिट नहीं होती है, क्या है, मेरी मम्मी आई है मेरे से, 64 की है। अच्छा, नमस्ते जी। और उसको इस एज में स्काई डाइविंग करने गए। अच्छा, वाओ। तो वही मैं उसको समझ नहीं रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ। क्या बात है। नमस्ते जी। नमस्ते कपिल। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। हाँ। जब जो चाहे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बोलती हूँ मुझे करने की इच्छा है तो आप क्यों मुझे रोकते हो? मैं बोलती हूँ मुझे करना है। आप जरूर कीजिए, अगर आपका मन है तो क्यों नहीं करना। मुझे तो एक्टिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा जी। अभी मैंने अपने रील बनाए हैं, अगर आपको कोई दादी माँ की जरूरत हो तो मैं आपके दादी माँ क्यों? आज बमन जो है ना, बहुतों को बर्बाद करके रखने वाला है। करना चाहिए आपका, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि स्काई डाइविंग इनको यहाँ पर करवाओ, दैट विल बी द बेस्ट सर्विस यू विल डू टू योर मदर। शुक्रिया जी आपका, धन्यवाद आप शो में आए, और जरूर करिएगा स्काई डाइविंग। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सर, आइए मैम। थैंक यू वाह। हिना मैम, बमन सर, सारिका जी, अनुपम सर, थैंक यू सो मच। और ये वंस अगेन, जैसे मैं कहता हूँ जब भी आप आते हैं, ये यादगार शाम हो गई है। बहुत अच्छा। और बड़ा मजा आया, और ढेर सारी शुभकामनाएं ऊंचाई के लिए। थैंक यू। और आने वाली तमाम फिल्मों के लिए। अब आपको क्या कहें सर, अच्छा लगा। शुक्रिया। लव यू सर। थैंक यू मैम। शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।